टुडे चैनल और पंछी बचाओ अभियान के तत्वावधान में द न्यूज टुडे के मुख्य प्रबंधक वरिष्ठ व तेज तर्राट पत्रकार राकेश भाटी व अन्य पदाधिकारियों द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान व सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को द न्यूज टुडे के मंच से इंडियन आइकॉन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया, जिसके अंतर्गत माजलपुर जिला राजगढ़ में उसना फाउंडेशन के फाउंडर हिम्मत सिंह मंडलोई को उनके विगत 5 वर्षों से किए गए सामाजिक क्षेत्र में गरीबों व अभावग्रस्त महिला पुरुषों व बच्चों को मदद व उनके आर्थिक स्तर को बढ़ाने के लिए तथा स्वरोजगार के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण देकर उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मानित किया गया है। इंडियन आइकॉन अवार्ड 2020 के इस समारोह में मुख्य अतिथि हसीना बुआ श्रमजीवी पत्रकार संघ के पदाधिकारियों व अन्य पत्रकार संघ के पदाधिकारियों सहित अनेकों गणमान्य नागरिक मंचासीन रहे। सैकड़ों की संख्या में देश प्रदेश व नेपाल के समाज सेवी व मीडिया कर्मी उपस्थित रहे। उसरा फाउंडेशन के फाउंडर हिम्मत सिंह मंडलोई को इंडियन आइकॉन अवार्ड से सम्मानित कर सम्मान पत्र दिया गया। जैसा कि सभी को ज्ञातत्व है कि उसना फाउंडेशन के फाउंडर द्वारा हर क्षेत्र में समाज में जागरूकता व भलाई के कार्य किए जाते रहे हैं। इस अवसर पर अनेकों गणमान्य नागरिकों ने समाज सेवी हिम्मत सिंह मंडलोई को सभी ने बधाई दी व प्रसन्नता व्यक्त की है। द न्यूज टुडे के लिए जिला राजगढ़ से ब्यूरो चीफ बी एस मंडलोई की रिपोर्ट।